अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल इजी फूड। आज हम बनाने जा रहे हैं मटन यखनी पुलाव। लेकिन रेसिपी को आगे बढ़ाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरे नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और यखनी तैयार करने के लिए 1 किलो ये गोश है मटन का, नमक 1 टेबल स्पून, 1 प्याज को 4 से 5 हिस्सों में काट लें, 1 लहसुन तो 1 छोटा अदरक का टुकड़ा, 1 टमाटर, 1 टेबल स्पून सौंफ, 1 टेबल स्पून खड़ा धनिया और ये तेज पत्ता, जावित्री और दाल। गोश्त गलने के लिए सबसे पहले हम रख देते हैं, तो कुकर में हम गोश्त डाल देंगे, टमाटर डाल देंगे, फिर सौंफ और धनिया, गरम मसाले, प्याज, लहसुन, अदरक, साथ में नमक डाल देंगे और 2 गिलास पानी डाल देंगे। अब हम कुकर को बंद कर देते हैं और गैस चालू करके गोश्त गलने देते हैं। जब तक हमारी यखनी के लिए गोश्त गल रहा है हम बघार के तैयारी कर लेते हैं। बघार में सबसे पहले हमें खड़े गरम मसाले चीरेंगे, जिसमें सिया जीरा, हरी इलायची, बादियान का फूल, कबाब चीनी, लौंग, दालचीनी, काली मिर्च, तेज पत्ता और हरी मिर्चें। हरी मिर्च जो है आप अपना टेस्ट चाहिए उसके हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं। 4 से 5 बड़ी प्याज को बारीक काट लेंगे, 1 कटोरी दही, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 कटोरी और हरी मिर्च, कोथमीर, पुदीना, सफ़ेद जीरा, सौंफ और गरम मसाला ये सब साथ में पीस लेंगे 1 कटोरी। ये सारी इंग्रेडिएंट्स हमारी बघार और मसाले के लिए। हमने पतीले में 2 कप तेल गरम कर दिया है, तेल गरम हो गया है, अब इसमें मसाले डालते हैं। जो भी खड़े मसाले हैं हमारे वो हम डाल देंगे, लौंग, कबाब चीनी, दालचीनी, जीरा, काली मिर्च, मिर्च को छोड़ के हम सारे मसाले जो है इसमें पहले डाल देंगे। अब इसमें हम प्याज डाल देंगे कटी हुई, और प्याज चलाते हुए हम हल्का ब्राउन कलर करेंगे। प्याज लाल हो चुकी है, इसमें अब हम हरी मिर्च डाल देंगे और अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। इसके साथ ही जो हमने हरी मिर्ची का पेस्ट बना के रखा था वो भी डाल देंगे और दही भी डाल देंगे। मसाले में पानी बिल्कुल नहीं डालेंगे, दही की वजह से जो है वो खुद ही मसाला थोड़ा लिक्विड वाला हो जाएगा। और मसाले को अच्छी तरह से भूनेंगे जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता। अगर गोश्त हमारा गल चुका है, 20 मिनट इसको हमने मीडियम आंच पर रखा और उसके बाद यखनी को और गोश्त को छन्नी की मदद से छान के अलग कर लिए। अब हम देख लेते हैं हमारा मसाला कम्प्लीट हुआ तो बहुत ही अच्छी आ रही है। अब हम चेक कर लेते हैं, ये देखिए मसाले से हमारा तेल अलग हो गया है, इसका मतलब मसाला भी हमारा अच्छे से भून चुका है। अब इसमें हम जो हमारा गोश्त है उबला हुआ वो डाल देंगे, इसे अच्छी तरीके से मिक्स करके 2 मिनट तक इसे भूनेंगे। ये देखिए गोश्त डालने के बाद 2 मिनट तक हमने इसे भून लिया है। अब इसमें हम यखनी डाल देंगे, ये यखनी का जो पानी है ये 2 गिलास के करीब है, इसे हम पूरा डाल देंगे। और हमारा चावल 1.25 किलो है तो हम और इसमें 4 गिलास और पानी डालेंगे, इस तरीके से 6 गिलास पानी डालेंगे। और नमक जो है आप अपने हिसाब से डालिए, क्योंकि हमने यखनी में भी नमक डाला हुआ था। जब ये इसमें उबाल आ जाए फिर इसके बाद हम इसमें चावल धोकर डाल देंगे, गैस फास्ट कर देंगे। और जब तवा पूरी तरीके से गर्म हो जाएगा उसके बाद गैस को बिल्कुल स्लो करके 20 मिनट तक इसे दम पर लगाएंगे। हमारा यखनी पुलाव तैयार हो गया है। 20 मिनट के बाद मैंने इसे एक बार वापस से चला लिया था और 5 मिनट के लिए वापस उसको दम पर लगा दिया। तब हम फ्लेम बंद करते हैं। देखने में बहुत ही खूबसूरत है और खुशबू भी बहुत बढ़िया आ रही है। अब हम इसे डिश आउट कर लेते हैं। देखिए चावल भी बिल्कुल खिले खिले बने हैं, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है इसमें से। आप इसे एक बार ट्राई करिए,
तो अभी हमारा यखनी पुलाव बिल्कुल तैयार हो गया है। आप इसे ट्राई करिए और कमेंट सेक्शन में हमें बताइए कि आपको कैसा लगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर करिए और लाइक करिए। अगली रेसिपी के साथ अब दोबारा मिलेंगे, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।